हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू शायन गेमिंग। शायन गेम में सब लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इसी एक मुद्दे पे कि सेटिंग्स, हम लोग फ्री फायर में कैसे सेटिंग इस्तेमाल करें जिससे हम लोग आसानी से बंदे को मार सकते हैं या सब कुछ आराम से कर सकते हैं। तो सेटिंग सबसे बढ़िया बात है। सेटिंग्स तुम्हारा गलत होगा तो तुम ही कब भी नहीं खेल पाओगे। तो सब लोग एक बार देख सकते हो, जो भाई प्रो प्लेयर हो उस लोग के लिए तो सेटिंग एकदम नॉर्मल है, वो लोग तो इसमें ही खेलते हैं। और जो लोग नया हो भाई, जो सेटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो सेटिंग को फॉलो कर लो, तुमको बहुत आसानी मिलेगा। तो भाई मैं बात करता हूँ पहले बेसिक में, बेसिक का बात करता हूँ, उसके बाद ग्राफिक्स का। जिसका फ़ोन 1 GB से 2 GB के अंदर है और लैग करता है गेम, तो वो लोग भाई इधर ग्राफिक्स स्मूथ रखो, जो मैं रखा हूँ अभी स्मूथ। तो जो लोगों का 2 GB का या 3 GB का रैम है, उतना लैग नहीं करता है, तो वो लोग स्टैंडर्ड पे खेल सकते हो। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है या स्मूथ में क्या होता है? स्मूथ में थोड़ा बहुत ग्राफिक्स घट जाता है, बोर्ड में किसी का नाम नहीं दिखाई देता है कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, मगर खेलने में थोड़ा बहुत आसान, बहुत मतलब बहुत हेल्प मिलता है खेलने में। गेम लैग नहीं करता है, एकदम स्मूथली चलता है, इसलिए उसका स्मूथ है। तो स्मूथ कर सकते हो तुम लोग। जिसका ज़्यादा रैम का फ़ोन है, मतलब 4 GB या 6 GB, वो तुम वो लोग सब अल्ट्रा में खेल सकते हो। अल्ट्रा में क्या होता है, अल्ट्रा के दो है, क्लासिक एक वेरी ब्राइट। तो तुम लोग वेरी ब्राइट पे खेल सकते हो या क्लासिक, वो तुम्हारा मर्जी। मगर अल्ट्रा में क्या होता है, कौन सा बंदा किधर से गोली मार रहा है ना, वो आराम से पता चल जाएगा तुमको। तो जिसका ज़्यादा रैम का फ़ोन है वो अल्ट्रा यूज़ कर सकता है। अभी मैं बात करूँगा लैंग्वेज पे। लैंग्वेज तो हम लोग सब इंग्लिश ही पसंद करते हैं, और मिनी मैप का बात करते हैं। मिनी मैप भाई रोटेटिंग रखो, रोटेटिंग। तुम जैसे रोटेटिंग करोगे ना, ऐसे ही तुम घूमोगे और तुमको मैप का सही से अंदाज़ा लग जाएगा। नॉर्थ अप करके मत रखो। जो लोग नॉर्थ अप में खेल के हो गया है, उसका समझ में आ गया है नॉर्थ अप क्या है, तो वो लोग नॉर्थ अप में खेल सकते हो। मगर जिस जो नया नया बंदा आया हो, वो लोग रोटेटिंग पे ही खेलो। तो सेकेंड पे जाते हैं सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी जनरल 60 रखो, रेड डॉट 80, टू स्कोप 70, फोर स्कोप 40 एंड एम स्कोप 32। मैं इसी से ही खेलता हूँ भाई, मेरे को आसानी होता है इसमें। अभी तुम लोगों को दूसरे कुछ सेटिंग्स में आसानी होता है तो तुम दूसरे में खेल सकते हो, मगर ये सेटिंग बेस्ट है भाई, तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो तुम लोग। तो अभी मैं जाता हूँ कंट्रोल्स पे। कंट्रोल्स पे क्या है, एम पोजीशन। फर्स्ट आते हैं एम पोजीशन पे। एम पोजीशन कोई बंदा बोलता है मैं डिफ़ॉल्ट पे रखूँ या स्पेसिफिक स्कोप और फुल कंट्रोल। तो जो भाई जूम आउट जूम इन का मज़ा लेते हो भाई, वो लोग तो डिफ़ॉल्ट में खेलना पसंद करते हैं और डिफ़ॉल्ट ही रखो। और जो लोग डायरेक्ट स्कोप ओपन करके हेड मारना चाहते हो, तो वो लोग स्पेसिफिक स्कोप रखना, स्कोप रख लो भाई, उसमें मज़ा आता है अलग एक। और जो लोग एकदम हार्ड प्लेयर हो भाई, मतलब ओपन करते ही देखो, फुल कंट्रोल में क्या होता है, तुम गोली थोड़ा सिर के साइड में मारोगे ना, तो साइड से निकल जाएगा, सिर में नहीं लगेगा। इसलिए जो लोग हेडशॉट मारना पसंद करते हो डायरेक्ट, वो लोग स्पेसिफिक स्कोप पे खेलो। और जो लोग जूम आउट जूम इन पसंद करते हो, तो डिफ़ॉल्ट पे खेलो। मैं तो भाई डिफ़ॉल्ट पे जूम आउट जूम इन पे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो लेफ्ट फायर बटन, जो राइट साइड में एक फायर बटन रहता है जिसमें दबा के हम लोग फायर करते हैं, तो लेफ्ट फायर बटन भी रख लो भाई, उसमें बहुत हेल्प मिलता है, क्योंकि जंप करते हुए शॉट मारने में बहुत आसानी मिलता है उस पर। क्विक वेपन, वो मेरा ऑन है। उसे क्या होता है, जिधर तुम फायर करते हो ना, उधर एक बटन आता है, उस पर क्लिक करने से गन ना चेंज होता है। हाथ में 2 गन होता है, तो एक का गोली ख़त्म और क्लिक किया तो दूसरा गन आ जाएगा हाथ में, तुमको ऊपर गन में क्लिक करना नहीं पड़ेगा। तो मेरा भाई हेल्प मिलता है बहुत। क्विक रिलोड, वो मैं ऑफ रखा, वो मैं आराम से कर लेता हूँ। वो भी ऐसा ही फंडा है क्विक वेपन स्वीप की तरह, वो नीचे आ जाएगा, तुम क्लिक करते फटक से रिलोड हो जाएगा, ऊपर नहीं दबाना पड़ेगा। एम पोजीशन होल्ड ऑन स्कोप रखा, क्योंकि जो लोग स्नाइपर लेके खेलने का सोच रहे हो, तो वो लोग होल्ड फायर टू स्कोप ही रखो। एक फायर होने के बाद स्कोप बंद हो जाएगा, फिर से तुमको स्कोप खुद से ओपन करना पड़ेगा। और नॉर्मल पे रखोगे तो एक गोली मारने के बाद ऑटोमेटिक स्कोप ऑन हो जाएगा, उसे बहुत परेशानी होता है। तो मैं बोलूँगा भाई होल्ड फायर टू स्कोप ही रखा करो। वर्टिकल कंट्रोल्स 2 हैंड रखो, उसमें आसानी होता है। जो 1 हैंड से खेल खेल के मतलब एकदम हो गया है, उसका हाथ सेट हो गया है, तो 1 हैंड में ही रखो। सेफ जोन हिंग्स सिंप्लीफाइड कर दो, तो बड़ा करके नहीं आएगा, छोटा करके आएगा। तो उसमें क्या मदद मिलता है, उसमें यही मदद मिलता है कि तुम स्क्रीन को अच्छे से देख पाओगे। तो ऑटो ऑटो परफेक्ट,
वो क्या होता है, ऑन रखो तो उससे बहुत आसानी मिलता है। ऑटो पिकअप भी ऑन रख लो तो तुम गन के ऊपर खड़ा होगे तो गन अपने आप उठ जाएगा तुम्हारे पास। कोई बंदा ऐसा पसंद नहीं करता है, कोई बंदा ऑफ भी करके रखता है, तो तुम जिसमें कंफर्टेबल फील करोगे वही रखो अपने। तो अभी विजुअल इफेक्ट्स, जब तुम मार रहे हो ना तो तुम्हारा गोली जब लग रही है तुमको तो उसमें रेड रेड दिखाई देता है जब तुम क्लासिक में रखोगे, और डार्क थीम मतलब वो ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा और किल करने पे ब्लैक सिंबल आएगा। तो वो भाई एक मज़ेदार थीम है, मैं तो डार्क में ही खेलता हूँ। तुम जो क्लासिक में खेलते हो लोग डार्क थीम एक बार ट्राई करके देख सकते हो, उसमें भी बहुत मज़ा है। तो अभी मैं साउंड बंद करता हूँ, साउंड भाई म्यूज़िक ऑफ़ कर दो क्योंकि गेम का म्यूज़िक उतना भी हम लोगों को पसंद नहीं है। तो भाई ऑफ़ कर दो साउंड इफेक्ट 80 और वॉइस 80 पे रख लो तो आराम से चल जाएगा। आदर्श पे कुछ नहीं है, दोनों ही डायमंड म्यूजिक ऑन रखो और फिर लकी रॉयल भी ऑन रखो, दोनों को ऑफ मत रखो, ये बहुत अहम चीज़ है, दोनों को ही ऑन रखो। तो हो गया हमारा सेटिंग्स का बात, अभी हम लोग बात करेंगे कंट्रोल्स पे। कंट्रोल्स पे कस्टमाइज्ड पे मैं गया तो इधर देख सकते हो तुम लोग, इधर मेरा कंट्रोल ऐसे सेटिंग कर किया है। अभी जिसका जैसे तुम्हारा हाथ सेट है ऐसे ही रखो, मेरे देख के कॉपी मत कर लो, जो तुम्हारा पसंद है वही रखो भाई। और इसको ऊपर दबाने पे देखो तुमको साइज मेंटेन करने का ऑप्शन आएगा, जो तुम जिसका साइज देखो। अभी मैं फायर बटन का साइज, ये फायर बटन, इसका मैं साइज एकदम सेट करने का कोशिश करूँगा, तो वो मेरा मर्जी मैं कितना पे सेट करूँगा। तो तुम लोग भी सेट कर लो ऐसे छोटा बड़ा करके। जूम भी तुम्हारा मर्जी पे तुम लोग सेट कर सकते हो, छोटा रख सकते हो बड़ा रख सकते हो, वो तुम्हारा मर्जी तुम कैसे सेट करोगे। तो ऐसे ही जूम सेव कर, उसके ये सब छोटा बड़ा अपने हिसाब से करने के बाद उसको सेव कर लो तो तुमको सेव हो जाएगा कंट्रोल। तो ऐसे ही होते हैं भाई सेटिंग्स। तो मैं तो भाई इसी सेटिंग से खेलता हूँ, तुम लोगों को और कुछ अलग से खेलते हो उसमें अच्छा लगता हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ। वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक से लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा, तुम लोग मेरे साथ लाइव स्ट्रीम खेल सकते हो तब। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो फ्रेंड लोगों के अंदर, ये ट्रिप्स बहुत अच्छे एक ट्रिप्स है, तो इसको यूज़ करो भाई, तुम भी प्रो प्लेयर बन सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना कभी भी मत भूलना। बेल बटन हमेशा दबाना स्टार्ट दबा के रखो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक सब जब मैं लाइव स्ट्रीम खेलूँगा ना तब तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, बेल बटन दबाने से तुम लोगों के पास आराम से नोटिफिकेशन चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और बेल बटन दबा दो।